हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटी ग्रीनर्स अगेन। और बहुत दिनों के बाद मैं अपना व्हाइट बोर्ड वाला वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी टाइम के बाद। ठीक है, तो आज मैंने जैसे पहले पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अब मैं जो बेसिक स्ट्रेटजीज थी ना, जो बेसिक जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ ऑप्शन सेलिंग का, उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। और आज मेरा वीडियो होगा बेसिकली वर्टिकल स्प्रेड्स के ऊपर, कि वर्टिकल स्प्रेड्स क्या हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइम के होते हैं, किस मार्केट में लिया जा सकता है, कैसे दिखते हैं, पे ऑफ ग्राफ कैसा होता है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बोर्ड पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो लोग भी अभी YouTube पे नए हैं, जिन्होंने थीटा गेनर्स पहली बार अभी चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, आप थीटा गेनर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक ऑप्शन सेलिंग की 5 चैप्टर्स की एक क्लास है, जो आप बहुत अगर न्यू हो ऑप्शन सेलिंग में, तो आप उस पर उनको पहले देखो एंड देन इन वीडियोज़ को। वैसे ये वीडियो बहुत बेसिक में ही आता है, तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। अभी मैं कई सारे ऐसे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, और मैं लाइव मार्केट में भी आपको ट्रेडिंग करके दिखाता ही हूँ। तो आप थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको अपने टेलीग्राम मतलब फ़ोन पे टेलीग्राम ऐप पे सर्च बॉक्स में थीटा गेनर्स लिखना, आपको लगभग 84,000 मेंबर वाला एक चैनल मिलेगा। उसमें आपको स्मॉल अकाउंट मतलब 3 लाख के आसपास की ट्रेडिंग जिसमें होती है वो लाइव में देखने को मिलेगा, और एक मिलेगा 35 से 40 लाख वाला। दोनों में वहाँ पर रोज़ डेली करके दिखाता हूँ। आई एम अ पोजिशनल सेलर, तो उसी हिसाब की ट्रेडिंग आपको वहाँ पर मिलेगी। मैं जैसे यूट्यूब पर स्ट्रेटजी भी शेयर करता रहता हूँ, वैसे वहां पे ट्रेड होती है, तो आप वहां पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो अभी मैं आपको पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्टिकल स्प्रेड्स। देखो वर्टिकल स्प्रेड्स बेसिकली ना, आप इनको वो बोल सकते हो बेस ऑफ एनी स्ट्रेटजी, बेस जहां से सारी स्ट्रेटजी उठती हैं। जितने भी नाम आपने सुन लिए होंगे ना अभी तक, आयरन कॉन्डोर ले लो, कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, बेसिक से बेसिक वो यहां से बनेगी वर्टिकल स्प्रेड से। वर्टिकल मतलब बेसिकली देखो वर्टिकल स्प्रेड कैसा हो गया, जैसे मान लो यहां पे आपकी मार्केट है, ये मैंने लिया 18,000 पे मार्केट खड़ी है। अब वर्टिकल स्प्रेड्स किधर भी बनाओ, आप पुट साइड बनाओ या फिर ऊपर की तरफ बनाओ, तो स्प्रेड मतलब क्या, पहली बात तो स्प्रेड मतलब कि उसमें दो स्ट्राइक्स इन्वॉल्व है। मतलब कैसे कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो मैंने क्या किया 18,100 मैंने क्या किया, बाई कर लिया। ठीक है, अब मैंने बाई किया है तो क्या होगा, चार्ट कैसा बनना चाहिए, ये मैंने बाई किया 18,100 और चार्ट ऐसे जाएगा पूरा का पूरा ग्रीन में। ठीक है, इस जगह से ये पूरा ग्रीन चार्ट में गया। अब लेकिन ऐसे नेकेड बाई तो बनता नहीं है ना, बुलिश हूं मैं बट इतना कंफर्मेशन नहीं मेरे को कि मार्केट कितना क्या जाएगा, तो इससे बचने के लिए भी मैंने क्या किया, फिर 18,200 को सेल कर दिया। तो अभी ग्राफ कैसा बनेगा, पहले जो बिल्कुल ऐसे ऊपर को जा रहा था, अब उसका कट आएगा। आपको समझ आ गई बात, क्या होगा, अब उसका कट आएगा। तो सिंपली अगर आप आगे वाला बाई करोगे और पीछे वाला सेल करोगे, तो आपने जो बाई किया वो कितने का पड़ा, आपने जो बाई किया मान लो वो पड़ा आपको 40 रुपए का, ठीक है, और आपने जो सेल मारा दूर का है वो पड़ा आपको 30 रुपए का, तो आपको एक्चुअली में क्या हुआ है, यहां पे 10 रुपए का आपको डेबिट है, 10 रुपए का आपको डेबिट है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहां पे अगर आपकी डायरेक्शन फॉलो नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, तो आपने एक्चुअली 30 रुपए यहां से कवर कर लिए हैं सेलिंग से, स्प्रेड से आपको 10 रुपए का लॉस बचा है आपका, क्लीन आपके साइड में। मैं अभी ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर में भी करके दिखा दूंगा। अब सेम टाइप की चीज हम पुट साइड में भी बना सकते हैं। तो दो टाइप के स्प्रेड्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये कैसा था, जहां पे आपने आगे बाई किया और पीछे सेल किया, एक एक लॉट थे दोनों एक एक लॉट थे, तो ये कैसा स्प्रेड हुआ, डेबिट स्प्रेड, क्योंकि आगे वाला बाई ये तेज होगा, तो एक्चुअली इसको आप लॉन्ग भी बोल सकते हो कि आपने एक्चुअली में यू आर सपोर्टिंग लॉन्ग, यू आर वीगा पॉजिटिव एटलीस्ट यहाँ पे। ठीक है, होगा क्या कि आप यहाँ पे डेबिट हो रहे हो थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, सिमिलरली क्रेडिट स्प्रेड कैसा होगा, क्रेडिट स्प्रेड इसका अपोजिट होगा। आपने 18,200 है उसको सेल मारा है यहाँ से एक लॉट, और 18,100 का क्या किया, उल्टा लिख दिया मैंने 18,200 बाई मारा है एंड 18,100 सेल मारा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल कैसा दिख रहा है, एक आयरन कॉन्डोर के वन साइड की तरह दिख रहा है। आयरन कॉन्डोर का वन साइड मतलब जो कॉल का साइड होता है आयरन कॉन्डोर का, आपको एक आयरन कॉन्डोर बनाना था कैसा, 18,100 का सेल और इधर 17,500 का सेल, ये कॉल था और ये पुट है। सिमिलरली यहां पे आपने एक हेज बाई किया 18,200 और इधर हेज बाई किया 17,400, ये क्या कहलाता है, पूरा एक सेटअप आयरन कॉन्डोर।
तो अगर मैं ये बोलूं कि ये अलग ले लो और ये अलग ले लो, तो ये दो क्या हैं? ये दो डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट स्प्रेड हैं। ये हो गया पुट क्रेडिट स्प्रेड, ये हो गया कॉल क्रेडिट स्प्रेड। दोनों क्रेडिट स्प्रेड मिलकर क्या बनाते हैं? एक आयरन कॉन्डोर। मतलब दोनों क्रेडिट स्प्रेड को मिस कर दिया तो आयरन कॉन्डोर बन जाएंगे। अगर इसी का अपोजिट बनाते, अपोजिट मतलब हमने क्रेडिट की जगह दोनों डेबिट स्प्रेड लिए होते, डेबिट स्प्रेड, तो क्या बनता? वो क्या बनता? हम वहां पे स्ट्रैंगल्स को हमने बाई मारा है जहां पे सेलिंग थी, और उनके बाहर से हमने सेल मारा है। तो अल्टीमेटली क्या होता कि वो जो रेंज थी जितना हमारा डेबिट बन रहा है उसके बाहर मार्केट मूव करता तो हमें प्रॉफिट होता। ठीक है, तो ये उसके टाइप्स हो गए। अब कॉम्बिनेशन टू मेक स्ट्रेटजीज, कॉम्बिनेशन टू मेक, ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक। तो अब मैं बताऊंगा कि इनका यूज कहां कहां पे किया जा सकता है और किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि यूज कैसे होता है वर्टिकल स्प्रेड्स का, तीन सिनेरियो लेते हैं। पहला, मैं बुलिश हूं। अब यहां पे मैं बुलिश हूं कि क्या क्या वो है, मार्केट ऐसी जा रही है, ये मेरा मानना है। तो इसमें हम वर्टिकल स्प्रेड्स का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, मार्केट अभी कहाँ पे है? 18,000 पे, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो पहला ऑप्शन मैं क्या करूँगा, एट द मनी 18,000 का जो कॉल है वो मैंने क्या मारा? बाई। ये हो गया नेकेड बाई, इससे भी बुलिश का काम हो जाएगा, बट मुझे वर्टिकल स्प्रेड्स का यूज करना है। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे मैंने ये बाई मारा, और अब मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो ये मैंने 18,200 का सेल भी मार दिया। क्या किया मैंने, 18 के एट द मनी को बाई मारा है, 18,200 को सेल मारा है। ये जो 200 का सेल है, मान लो आपने जो बाई मारा वो मिला आपको 80 रुपए का, 18 रुपीज, और जो आपने सेल मारा है वो है 40 रुपए का, दोनों एक एक लॉट है। पहली बात है डेबिट स्प्रेड है, इसका मतलब मार्केट अगर नीचे रही तो गारंटीड आपको लॉस है। कितने का लॉस है आपको? 40 रुपए का, जो आपका डेबिट है वो आपका लॉस हो जाएगा यहां पे, अगर मार्केट 18,000 के नीचे रही वो तो गारंटीड। उसके बाद होगा क्या कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना क्या मिल सकता है। यहां पे डेबिट कितने का है? 40 रुपए का। आपको मार्केट कहां तक सपोर्ट कर पाएगी? आपको मार्केट इन 40 रुपए एक्स्ट्रा तक सपोर्ट कर पाएगी जो आप सेल कर ले गए हो। तो इसका मतलब 18,040 रुपीज के ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पैसे मिलेंगे। समझ आया? क्योंकि 1840 तक आपको ये मिलेंगे और इसका जीरो मिलेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। जैसे सेलिंग के टाइम पे क्या होता है, अगर आपने 18,000 का कॉल बेचा है कितने रुपए का? 80 रुपए का, तो आपका ब्रेक इवन क्या होता है? 18,080 रुपीज, करेक्ट। तो सिमिलरली अगर आपने 18,200 का कॉल बेचा हुआ है तो आपको ये सिर्फ 40 रुपए की सेफ्टी दे रहा है। इधर 18,000 के एरिया में आपने 80 रुपए से बाई कर रखा है, 18,000 का आपने 80 रुपए का बाई कर रखा है, तो ये एक्चुअली में आपने क्या किया है, आप इससे माइनस जा रहे हो। तो अगर मार्केट 17,920 ये जो एरिया निकला, आपने 80 रुपीज दे दिए, इसका मतलब आपका एरिया इसके इधर बिल्कुल ही वैसा है। क्या बोलेंगे, एक तरीके से लॉस है डायरेक्टली आपको। आपको चाहिए कि मार्केट को ऊपर जाना पड़े, ऊपर जाना पड़े मतलब मार्केट को 18,080 के ऊपर जाना पड़ेगा, तब एक्सपायरी के दिन आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि 80 रुपए तो आपने पे ही कर दिए हैं। इससे बचने के लिए आपने 40 रुपए बकाया ले लिए वापस, तो अब आपका ब्रेक इवन कितना हो गया? 1840। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि 1840 के ऊपर मार्केट अगर जाने लगा, अगर, तो आपको एक्चुअली में ये 40 रुपए का फायदा हो जाएगा, अदरवाइज ये सब जीरो हो जाने वाले हैं और आपको घाटा हो जाएगा। ठीक है, सिंपली समझ में आ गया कि 1840 कैसे आया। ये बुलिश सिनेरियो का सिंगल वाला कौन सा स्प्रेड मैंने समझाया, ये था एक्चुअली कौन सा स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड था, जिसमें आप आगे बाइंग कर रहे हो और बाद में सेलिंग कर रहे हो। डेबिट स्प्रेड समझ में आया। अब दूसरा ऑप्शन, क्रेडिट स्प्रेड, ये होगा क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड में कैसा होता है, क्रेडिट स्प्रेड में रेशियो बाद में समझाऊंगा, बट नॉर्मल समझाता हूं। क्रेडिट स्प्रेड में एक बात बताओ कि आप अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या बेच के पैसा कमाओगे, क्या बेच के पैसा कमाओगे? आप पुट बेच के पैसा कमाओगे, करेक्ट। तो कौन सा स्प्रेड बनेगा अगर आपको बुलिश सिनेरियो है? पुट क्रेडिट स्प्रेड। तो आपने यहां पे क्या किया होगा,
18,000 पे मार्केट है, करेक्ट। आपने क्या किया होगा बेसिकली, आपने यहाँ पे एक पुट बेचा होगा। कौन सा पुट बेचोगे आप? आपने बेचा 18,000 का पुट, एट द मनी का पी आपने सेल मारा, 100 रुपये का पी आपने सेल मार दिया। ये आप कहाँ तक सेफ हो? यू आर सेफ टिल 17,900। इसके ऊपर मार्केट रहेगा तब जाके आपको ये एक्चुअली जितना ऊपर है उस हिसाब से प्रीमियम मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको सेफ्टी भी चाहिए, आपको बचना भी है, तो आपने बचने के लिए क्या किया, 17,900 का जो पी था वो आपने बाई मार दिया। ये 100 रुपये, ये आपने बाई मारा 75 रुपीज का, करेक्ट। तो पहले आप कहाँ तक सेफ गार्ड थे जब आपने अकेले सेलिंग की थी, मतलब 17,900 के ऊपर आपको प्रॉफिट था एटलीस्ट। अब क्या हुआ, आपने 17,900 के 75 रुपीज पे कर दिए, आपके पास कितने रुपए बचे? 25 रुपये आपके पास बचे। तो इसका मतलब अब कहाँ तक आपकी एक्चुअली सेफ्टी है, 17,975, करेक्ट। 17,975 के ऊपर मार्केट होगा तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे, 100 माइनस 75, तो मतलब आपको 25 रुपीज का फायदा हो जाएगा इफ मार्केट इज अबव, कहाँ अबव, वेयर अबव दिस 18,000 के ऊपर अगर मार्केट है तो आपको फायदा हो जाएगा सिंपली। तो ये जब क्रेडिट स्प्रेड की बात होती है तो आपका सेफ गार्ड कौन है, आपका बॉडी गार्ड कौन है, आपका बाई, जब क्रेडिट की बात होगी। जब डेबिट की बात होगी तो आपके सेफ गार्ड का सहारा कौन है, आपका सेल। डेबिट की बात आई, डेबिट मतलब बेसिकली यू आर जस्ट अ बायर, ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर हो, अगर आप नेकेड बाई करने चले गए हो तो आप सेलिंग करके उस बाई का कुछ पैसा बचा सकते हो अगर आपको लगता है कि थीटा से आपको प्रॉब्लम होने वाली है। सिमिलरली क्रेडिट स्प्रेड है तो आपने थीटा ले रखा है तो आपको मोमेंटम से प्रॉब्लम होने वाली है, करेक्ट। तो आप उससे बचने के लिए मार्केट को थोड़ा सा डेबिट दे देते हो बाई। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, क्लियरली समझ आया, डेबिट और क्रेडिट के बीच का डिफरेंस। इन दोनों को जब मैं अभी आपको उसमें समझाऊंगा, क्या नाम है, डेस्कटॉप पे, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल बुलिश सिनेरियो हो गया, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट दोनों यूज कर सकते हैं बुलिश सिनेरियो में। अब एक आया, ओके, तो अभी हम साइडवेज वाला समझते हैं, ठीक है। तो देखो साइडवेज में क्या हुआ, साइडवेज मार्केट पहले बुलिश हुई जिसमें हम डेबिट क्रेडिट अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। दूसरा नंबर साइडवेज, साइडवेज मतलब मार्केट जिग जैग अप डाउन ऐसी हुई, तो इस सिनेरियो में क्या यूज करना चाहिए। तो पहली बात, मार्केट का साइडवेज फॉर्मेट मतलब क्या, लॉजिकल आंसर क्या होगा कि हमें क्या यूज करना चाहिए साइडवेज में, क्या मैं बायर बनूंगा? नहीं, बायर मतलब थीटा लॉस, थीटा लॉस में आपको फायदा। तो इसका मतलब मैं डेबिट स्प्रेड्स यूज नहीं कर सकता, मतलब मैं चाहे ऊपर से डेबिट बनाऊं या नीचे से डेबिट, बेसिकली ऊपर नीचे मतलब कॉल या पुट, इन दोनों साइड से डेबिट बनाऊं मुझे कोई फायदा नहीं, क्योंकि आई विल लूज अगर मार्केट साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट में अगर मुझे कुछ भी यूज करना है तो दैट विल बी व्हाट, किसको फायदा होता है साइडवेज मार्केट से? कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं है, आंसर है ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन सेलर मतलब जो थीटा के लिए काम करते हैं उनके लिए क्या है, साइडवेज मार्केट में ज़्यादा फायदा है। तो इसका मतलब मुझे साइडवेज मार्केट का फायदा उठाना है, अप डाउन। इसका मतलब मुझे एक इस तरफ से क्रेडिट स्प्रेड चाहिए और एक इस तरफ से, ये कॉल क्रेडिट स्प्रेड, ये पुट क्रेडिट स्प्रेड, करेक्ट। तो मैं कॉल की साइड से एक कॉल क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा, पुट की साइड से एक पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा। ये दोनों कैसे दिखेंगे, लेट्स हैव एग्जांपल, ठीक है। साइडवेज मार्केट के लिए बता रहा हूं कि हाउ टू कंबाइन द वर्टिकल स्प्रेड्स। तो साइडवेज मार्केट है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी 18,000 पे है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मार्केट अप डाउन घूमेगी और 18,500 क्रॉस नहीं कर सकती एंड 17,500 क्रॉस नहीं कर सकती। तो मैंने 17,500 का पुट बेचा एंड ये वाला कॉल बेचा, वन लॉट, कितने रुपए, 40 रुपीज़ पे मैंने बेचा, इसको भी 40 रुपीज़ पे मैंने बेचा, क्लियर। ये है -1 सेल, ओके, -1 सेल। अब क्रेडिट स्प्रेड बनाना है, मतलब हमें इसके बाहर बाई करना पड़ेगा। तो बाहर बोले तो मैंने क्या बाई किया होगा, 17,400 पी बाई वन लॉट एट 25 रुपीज़। सिमिलरली 18,600 कॉल बाई वन लॉट 25 रुपीज़, ओके। तो ये बन गया आपके दो क्रेडिट स्प्रेड, एक रहा ये और एक रहा ये।
क्रेडिट स्प्रेड है, मतलब इन दोनों लेग्स से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ से कितना मिल रहा है, 40 और 25, 40 माइनस 25, 15 रुपीज़ का क्रेडिट यहाँ से है, 15 रुपीज़ का क्रेडिट यहाँ से है। दो क्रेडिट स्प्रेड का कॉम्बो क्या कहलाया, आर एन कॉन्डोर। आपको टोटल कितना क्रेडिट मिल रहा है, 30 रुपये, करेक्ट। दोनों मिलाने के बाद आपको 30 रुपये का क्रेडिट मिलेगा। तो मतलब आपका, अगर मैं ग्राफ बनाऊं ऐसा आर एन कॉन्डोर वाला, तो व्हाट इज योर प्रॉफिट, योर प्रॉफिट आर दिस 30 रुपीज। तो मतलब 30 × 1 lot 50 = 1500, मतलब आपका प्रॉफिट क्या है, ये अपर साइड में 1500 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है। अब आपका लॉस कैसे आप काउंट करोगे, अगर क्रेडिट स्प्रेड्स हैं तो आपका लॉस बेसिकली वो जो आपकी जो एक्चुअली एक तरीके से मान लो जो डेबिट है, वहाँ से आप लॉस कैलकुलेट करोगे। तो लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, स्ट्राइक गैप माइनस क्रेडिट इनटू लॉट। तो स्ट्राइक गैप क्या है यहाँ पे, ये बताओ मुझे कितने का गैप है दोनों तरफ, ये रहा 100 का गैप, माइनस कितने रुपए क्रेडिट हैं आपके, 30 रुपीज़, कितना बचा, 70 रुपीज़, इंटू लॉट कितना हो गया, 3500 रुपीज़। इसका मतलब ये लॉस कितना है आपका, दिस इज 3500 रुपीज़, 1500 ratio 3500। थ्री इज टू सेवन, मतलब एक तरीके से आप एक कमा रहे हो तो अगर गलती से कुछ गड़बड़ हुई तो लगभग आप 2.5 खो रहे हो, कुल मिलाकर 2.2 गुना खो रहे हो। तो ये हो गया अपना आयरन कॉन्डोर। और ऐसे आप रेशियो में भी बना सकते हो कैसे भी, बट अगर साइडवेज मार्केट की बात आएगी तो लॉजिकली यू आर करेक्ट व्हेन यू क्रिएट टू क्रेडिट स्प्रेड्स एंड उनको आप मिला देते हो सिमिलरली, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या होता है, बुलिश, साइडवेज, तीसरा हो गया बेरिश। बेरिश सिनेरियो में ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं डेबिट स्प्रेड्स, क्यों, क्योंकि दे थिंक कि मार्केट अगर नीचे को जाए तो हम डेबिट हो, हम बाइंग आगे करें जिसकी वजह से हमें डेल्टा का फ़ायदा ज़्यादा हो। एंड कभी कभी वो बाइंग के बाद जो सेलिंग करते हैं वो भी दूर कर देते हैं, जैसे कि मार्केट 18,000 पे है, मुझे लगता है मार्केट 17,500 की तरफ आएगा, तो आई बॉट 17,900 बाई, ठीक है, मे बी 80 रुपीज़ एक लॉट, एंड मैं 17,800 को सेल ना करके आई सोल्ड 17,700 कितने रुपए के लिए, सोल्ड इट फॉर 25 रुपीज़। तो मतलब इस डेबिट से मैंने सिर्फ कितने रुपए बचाए सेल करके, अगर मार्केट नीचे नहीं गिरा तो मैंने कितने रुपए बचा पाया, 25 रुपए। तो मुझे फिर भी कितने रुपए का लॉस हो जाएगा, कितने का, 55 रुपीज का लॉस मुझे फिर भी है। तो दैट वॉज डेबिट स्प्रेड, मतलब मैं ये बेचूं आगे का, मार्केट यहाँ पे है और थोड़ा दूर बाई करूं, तो ये एक तरीके का डेबिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड मतलब बाय, डेबिट स्प्रेड मतलब आपको वही लॉस होगा जो आप देना चाहते हो। क्रेडिट स्प्रेड्स में क्या हो सकता है कि आप अपने लॉस से कहीं हद तक ज़्यादा लॉस दे सकते हो। तो डेबिट स्प्रेड ऐसा बनेगा बेरिश में। क्रेडिट स्प्रेड कैसा होगा, क्रेडिट स्प्रेड नीचे को मार्केट जा रही है, क्रेडिट स्प्रेड किस तरफ बनेगा, जल्दी बताओ, कॉल की तरफ। तो कॉल की तरफ क्रेडिट स्प्रेड बनेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट 18,000 पे है, आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगी, आप सिंपल सा लॉजिक है 18,100 के जो भी, मतलब इसके ऊपर का बेचोगे, सोल्ड वन लॉट, ठीक है, मान लो 80 रुपीज़, ठीक है। अब ये क्रेडिट है तो इसका मतलब है आप क्या करोगे, आप बेसिकली इसकी हेजिंग कहाँ से करोगे, बाहर से, इधर से। तो आपने क्या किया, 18,200 के आसपास का बाई कर लिया एक लॉट, और ये आपने बाई किया नियर टू मे बी 55 रुपीज़। तो अब आपका इस क्रेडिट स्प्रेड में फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है आपको मिले कितने, 80, ठीक है, 80 आप लेने वाले थे माइनस 55, एक्चुअली आपका प्रॉफिट क्या है, क्या प्रॉफिट है आपका, 25 रुपीज़, सॉरी ये 55 है ना, हाँ 25 रुपीज़ का आपके पास फ़ायदा है, दैट्स इट। तो इसका मतलब मार्केट नीचे गया तो आपको 25 का फ़ायदा होगा, ओनली 25 का फ़ायदा होगा इस चीज़ से। और ये क्रेडिट स्प्रेड है तो आप क्रेडिट स्प्रेड जानते हो फिर उसका क्या होगा, 100 रुपये का घायल है इसमें, आपने इसमें 25 रुपीज़ मिले हैं, 75 ये इधर आपका लॉस हो जाएगा, 1:1 है, ठीक है। सिमिलरली काउंट क्रेडिट स्प्रेड का लॉस ऐसे ही काउंट होता है जैसे उस तरफ होता है। ये तीन तरीके हो गए जहाँ पे वर्टिकल स्प्रेड्स यूज होते हैं। अब वर्टिकल स्प्रेड ये हो गए कैसे, अगर आप 1-1 lot में बनाओगे तो इसका मतलब कैसा होगा, डिफाइंड रिस्क होगा, कैसा,
डिफाइंड रिस्क, जैसे कि आयरन कॉन्डोर हो गए, ये डिफाइंड रिस्क हो गए। आपने कोई स्टडल बेचा, उसको बाई कर लिया, क्या बोलते हैं, आयरन फ्लाई जैसे बनती है। तो स्प्रेड्स जहाँ भी आएंगे वो डिपेंडेंसी वर्टिकल स्प्रेड से ही स्टार्ट होते हैं, वो वहीं से बनते हैं। हमने क्या स्टार्ट कर दिया है, कहीं पे 100 का गैप था तो हमने एक तरफ गैप ले लिया 200 का, दूसरी तरफ गैप ले लिया 300 का, हम उसको डिसबैलेंस करके इधर उधर से कुछ भी ट्विक करके कुछ भी बनाते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिर बोला जाता है ये मेरी स्ट्रेटजी, इधर से मैंने ये 200 बना दिया। जैसे मैंने एक बार किया था, कई सारी स्ट्रेटजी मैंने DRS बनाया था, DRS के टाइम पे भी मैंने बाहर की तरफ से थोड़ा दूर से बाइंग की थी, इधर की तरफ थोड़ा पास से बाइंग की थी। तो ये सब ना धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप ट्विक कर सकते हो, बट जो बेस है वो कहाँ से आया, इस जगह से, ठीक है। तो अब बात आएगी कि इसमें क्या, तो अभी जो मैंने आपको समझाया 1:1 के रेशियो है, इसका मतलब डिफाइंड रिस्क, ठीक है। बट इनको कैसे कर सकते हैं, आप दो सेल करके 1 buy कर सकते हो। चार्ट कैसा बनने लगेगा, ऐसा, ये जो क्या बोलते हैं आपने सेल किया वो यहाँ पे, आपने buy आगे किया है बाइंग, ये सेलिंग, तो ग्राफ ऐसे बनने लगते हैं, याद हो, ठीक है। ये हो गए रेशियो में 1:2, बट एट द एंड यूज तो स्प्रेड्स ही हो रहे हैं वर्टिकल में। आप ये पार्ट अलग बना दो, ये पार्ट अलग बना दो, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो अल्टीमेटली काम वही होता है जो यहाँ से बन के आया है। तो क्या आप लोग को ये समझ आ गया, डेविड स्प्रेड कब यूज करने हैं, जब आपको लग रहा हो कोई साइड डिफाइंड है, मतलब बुलिश है या बेरिश है, तो आप डेविड स्प्रेड्स यूज करो। उनमें क्रेडिट भी यूज कर सकते हो, बट क्रेडिट का यही है कि क्रेडिट में आपको एक डिफाइंड प्रॉफिट होता है, डेबिट में आप प्रॉफिट अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर ज़्यादा कर सकते हो। सिमिलरली अगर साइडवेज मार्केट है तो ऑफकोर्स सी बात है लॉजिकली हमें आयरन कॉन्डोर या फिर क्रेडिट स्प्रेड्स यूज करने चाहिए दोनों तरफ से, तब आपको फायदा है। मैं विक्स के आइडिया के हिसाब से बताऊं तो जैसे 19 अपना इंडिया विक्स गया था, वहां से आपको लगता है कि विक्स नीचे की तरफ गिरेगा, तो यू शुड गो विद क्रेडिट स्प्रेड्स, जिससे आपको थीटा ज़्यादा मिले, देन आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो अगर यहाँ से विक्स गिरी, ओके। सिमिलरली अगर विक्स बहुत नीचे होता है तो मैंने आपको समझाया कि क्या कर सकते हो आप डेबिट स्प्रेड्स बनाओ जिसमें आपको मोमेंटम का फ़ायदा मिले, क्रेडिट नहीं, क्योंकि आपके पास प्रीमियम बहुत कम होती है लो विक्स के टाइम पे, ओके। तो चलो अब हम इन दोनों का एग्जांपल कि डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड ग्राफ में कैसे दिखते हैं बन के, वो मैं आपको डेस्कटॉप में एक बार बता देता हूँ। एंड सब लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, एंड आप थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे जरूर सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको लाइव सेशंस में आपको एक्चुअली एक तरीके से सारा छोटा अकाउंट बड़ा अकाउंट सब कुछ लाइव में ट्रेड करने को मिलेगा, ओके। चलो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू। अगला वीडियो आपको इसमें मिलेगा, मैं आपको नेकेड स्ट्रैंगल के बारे में बताऊंगा कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। चलो अभी बाय बाय, थैंक यू। सो देखो अभी मैंने बोला ना डेस्कटॉप पे अगर मैं करके दिखाऊंगा, डेस्कटॉप में अगर आप ये देखोगे कि मैंने निफ्टी पे एक डेबिट स्प्रेड बनाया, डेबिट मतलब जहां पे मार्केट है मैंने उसको बाई किया, 17900 का कॉल मैंने बाई किया अक्टूबर का, 231 रुपीज का एक लॉट, और मैंने उसके आगे का बेचा 100 पॉइंट आगे का 18000 का कॉल, कितने का, 181 रुपीज का। कितने रुपए का गैप है इन दोनों के बीच में, 50 रुपए का, मतलब आप 50 रुपए डेबिट हो, करेक्ट, 50 रुपए डेबिट, मतलब कि एक्चुअली में आपका ये लॉस है अगर मार्केट सस्टेन नहीं की, कितना एक्चुअली जो आपने 950 वाले को एक्स्ट्रा पे किया है, आई मीन 17900 में एक्स्ट्रा पे किया है 50 रुपए। देखो कैलकुलेटर में देखो आप, 231 माइनस 181, 50 रुपए, 50 रुपए आपने डेबिट हो, डेबिट हो मतलब मार्केट को आपकी तरफ उतना मूव करना पड़ेगा उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो मतलब 17900 प्लस 50, तो आपका ब्रेक इवन क्या हुआ, 17950 के ऊपर मार्केट जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, करेक्ट। तो ये यहां देखो मार्केट में आपका प्रॉफिट कहां स्टार्ट हो रहा है, 17950 के बाद, देन यू आर गेटिंग द प्रॉफिट। तो ये आपका ब्रेक इवन हुआ 17950। आपका लॉस कितना होगा डाउनसाइड में, कितना भी, इन दोनों के बीच का गैप 50 रुपए, सेम चीज, ओके। अब मैं इसी का पलट के क्रेडिट स्प्रेड बना दूं, क्रेडिट स्प्रेड मतलब ये किया मैंने रीसेट, स्प्रेड पे गया मैंने कॉल स्प्रेड ही बनाया कैसा, लेकिन क्रेडिट। अब मैंने यहां पे 17900 वाला जो है उसको क्या किया, उसको क्या किया, सेल। तो रुको मैं यहां से कर देता हूं, 17900 सेल एंड 18000 बाई, ये लो सिमिलर ग्राफ, बट ये क्रेडिट स्प्रेड है। डेबिट में क्या होता है, मार्केट को आपकी तरफ आना होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, क्रेडिट में क्या होगा, मार्केट को आपकी तरफ नहीं आना है
तो आपने अगर कॉल क्रेडिट बनाया है, कॉल क्रेडिट, तो इसका मतलब मार्केट को ऊपर नहीं आना चाहिए, आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब मार्केट नीचे गिरेगी। तो सिमिलरली सेम चीज हो जाएगी, जो उसका मैक्स लॉस था वो इसका मैक्स प्रॉफिट होगा, जो बीच में गैप बचा वो आपका प्रॉफिट है, जो उसका एक्चुअली में प्रॉफिट था वो इसका मैक्स लॉस है, जस्ट अपोजिट हो गया। इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं, अगर दोनों को, समझ रहे हो ना बात को, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, जैसे कि ये लो, मैं सिंपल वैसा ही एक 17800 का ये रहा पुट, ये भी क्रेडिट स्प्रेड है ना, 17800 का जो पुट है ये मैंने सेल मारा एक और 17700 बाई कर लिया एक लॉट पुट। तो ये देखो जो मैं आपको समझाना चाहता था ये बन गया, देखो सिंपल एक नॉर्मल टाइप ऑफ आयरन कॉन्डोर, ठीक है। वैसे तो ये बिल्कुल पास से ना, आयरन कॉन्डोर इतने पास से नहीं बनाए जाते, बट आपको समझ आ रहा है मीनिंग क्या है, डिस्टेंस माइनस पूरा क्रेडिट जितना है, ओके। तो यहां से अभी 30-30, 60-70 के आसपास, 80 के आसपास मिल रहा है आपको, माइनस 100 माइनस 80, ये आपको समझ में आ गया। अगर आप इसको एक्चुअल आयरन कॉन्डोर बनाना चाहते हो तो आपको एक्चुअली में दूर जाना पड़ेगा, 17900 की जगह आप 18200 सेल एंड 18300 बाई, ये कॉल साइड का क्रेडिट स्प्रेड हो गया, ठीक है, ये लो, और ये पुट साइड का हो गया 17800, तो इसकी जगह हम बना देंगे और नीचे बनाओ 17600, 300 पॉइंट ऊपर नीचे कर दिया मैंने, दैट्स इट। तो आयरन कॉन्डोर दिखाने के लिए किया मैंने कि आपको सही से दिख जाए क्या है, ये लो अब बनेगा आयरन कॉन्डोर, ये रहा देखो सिंपल। तो ये जो मिडिल में आपका प्रॉफिट है वो कितना होगा, आपका प्रॉफिट टोटल क्रेडिट होगा। टोटल क्रेडिट कैसे, आपको अपना कैलकुलेटर निकाला हमने, ये लो आपको जितना मिल रहा है उसका टोटल करो, जितना मिल रहा है मतलब माइनस वाले, तो 107 + 116 + 223 माइनस 92 जो आपने दिए माइनस 79 जो भी बचा इनटू 50 वो आपका प्रॉफिट है 2600 रुपीज, ये रहा। अब आपका लॉस क्या है, लॉस बताओ, लॉस हो जाएगा आपको कितने मिल रहे हैं 52.52, तो आपका लॉस कितना हो जाएगा, कितने का गैप है 100 रुपए का, तो 100 रुपए माइनस 52 आया 48 इंटू 50, ये आ गया आपका 2400 के आसपास का लॉस आयरन कॉन्डोर का। तीनों चीजें हो गई, डेबिट क्रेडिट और साइडवेज के लिए डबल क्रेडिट, ये वर्टिकल स्प्रेड के पे ऑफ ग्राफ के एग्जांपल थे, और इनको आप डिफरेंट कितने भी तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं, ठीक है। जो लोग भी अभी नहीं जानते हैं कि टेलीग्राम पे क्या चैनल है अपना, तो ये रहा थीटा गेनर्स का टेलीग्राम चैनल, आप अपने फोन पे थीटा गेनर्स लिखो, आपको लगभग 84,000 मेंबर वाला एक चैनल मिलेगा, आपको वो ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको बिग अकाउंट ये वाला है 35 लाख वाला, और ये रहा स्मॉल अकाउंट, इसमें हम 4 लाख तक की ट्रेडिंग करते हैं और इसमें हम 40 लाख तक की ट्रेडिंग करते हैं, और दोनों में मैं लाइव दिखाता हूँ, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ओके। ये मेरा छोटा भाई है, उसने एक्चुअली एक क्लोथिंग कंपनी खोली है रिक्ले इंडिया करके, जो लेडीज वियर की है टोटल, ठीक है। तो अगर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, एंड इफ यू कैन शेयर इन आपके घर में या कहीं पे भी, तो आप उसको शेयर करें एंड इट विल सपोर्ट, ओके। चलो बाय बाय, थैंक यू, टाटा।